अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अजीज़ तलबा, हम आज के दर्स में फिर एंगल ही के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने अक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल, साथ ही साथ रिफ्लेक्स एंगल, इन पांचों एंगल्स के बारे में पढ़ा था। और हमने ये समझा था कि किस एंगल को किस बुनियाद पर ये नाम दिया गया है। अक्यूट एंगल किसे कहते हैं, यानी जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ऐसे ही राइट एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा, यानी स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो 180 का होता है, यानी एक सीधी लकीर की जैसी स्ट्रेट लाइन होती है। और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा हो लेकिन मुकम्मल एंगल से छोटा हो, यानी 360 से छोटा हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। ऐसे ही हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स को भी पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं जिस ऐसे दो एंगल्स जिनका जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो, यानी एक 30 का हो तो दूसरा 60 का हो, एक 50 का हो तो दूसरा 40 का हो। इस तरह से अगर कोई दो एंगल मिल करके 90 डिग्री बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर इसी तरह के एंगल्स हों, दो एंगल्स जो दोनों मिल करके, दोनों का जोड़ मिल करके 180 का एंगल बनाता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो ऐसे एंगल जो मिलकर के 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, और सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जो मिलकर के या जिनका जोड़ 180 डिग्री का एंगल बनाता हो, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब उसी दर्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट किसे कहते हैं, हम कोई एंगल बनाते हैं तो वो, मान लीजिए हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो वो इस शक्ल का बना, ठीक है। यहां पे हमारा हो गया वर्टेक्स, इसको मैंने कह दिया ओ, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी, यानी ए ओ बी का एक एंगल बना। अब अगर इसी में एक और एंगल हम और बनाना चाहें यहां पे, और इसको हमने कह दिया सी मसलन। अब यहां पे जो देखने वाली चीज है वो ये है कि यह जो सी की लाइन है वो ए और बी के बीच में है, यानी एक एंगल तो इसका बन रहा है और दूसरा एंगल इसका बन रहा है, और इन दोनों के एंगल बनाने में कौन मदद कर रहा है, सी वाली लाइन। क्योंकि अगर सी वाली लाइन ना हो तो सी ओ बी का एंगल नहीं बनेगा और ए ओ सी का भी एंगल नहीं बनेगा। तो ये वाली जो लाइन है ये मदद कर रही है दोनों एंगल को बनाने के लिए, और ये लाइन जो है यहां पे, ये लाइन इन दोनों के बीच में कॉमन है, यानी सी वाली लाइन सी ओ बी का एंगल बनाने में मदद करती है, और यही सी वाली लाइन ओ ए ओ सी का भी एंगल बनाने में मदद कर रही है, ठीक है। तो किसी भी एडजेसेंट एंगल्स के लिए जरूरी है कि उसमें एक कॉमन लाइन हो, एक इसको हम आर्म कहते हैं, इसको, इसको या इसको, तो उसमें एक कॉमन आर्म हो, पहली चीज, पहला शर्त। दूसरी शर्त वो ये कि उन दोनों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स। और तीसरी शर्त यह है कि इनका जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी ये वाला,
इसका कॉमन आर्म क्या हुआ, ये हो गया कॉमन आर्म हो गया। और कॉमन वर्टेक्स ये हो गया, और नन कॉमन आर्म दो हुआ इसका, एक इधर है एक इधर है, ये नन कॉमन आर्म है। अब नन कॉमन कॉमन आर्म्स जो है वो एक साइड में ना हो, दोनों अलग अलग साइड में हो, यानी इस तरफ हो एक और दूसरा इस तरफ हो, ऐसा ना हो कि ये दोनों कॉमन नन कॉमन आर्म जो हो एक ही साइड में हो। तो ये तीनों शर्तें जरूरी हैं, यानी नन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म्स, यानी ये जो कॉमन आर्म है उसके अगल बगल हो, एक इधर हो एक इधर हो। अगर ये शर्तें तीनों शर्तें पाई जाती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कोई भी एंगल इस तरह का बना हुआ है तो हम उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल में तीनों शर्तों का पाया जाना जरूरी है। आप इस एग्जाम्पल को देखें, आपको इसमें तीन तरह का एंगल मिलेगा, तीन एंगल मिलेगा। एक एंगल आप बना सकते हैं ए ओ और सी का, और दूसरा एंगल आप बना सकते हैं सी ओ और बी का, यहां से लेकर के यहां तक का एक एंगल, और फिर यहां से लेकर के यहां तक का एक एंगल, और फिर टोटल यानी ए ये टोटल एंगल इससे यहां का लेकर के यहां तक इसका जो एंगल बन रहा है, तो ए ओ बी ये तीन तरह का एंगल इसमें बना है। अब यहां पे आप देखें कि जो बड़ा वाला एंगल है ये ए ओ सी ये बराबर है किसके, इन दोनों के, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, यानी ए ओ सी ये बड़े एंगल में दोनों एंगल आ जाते हैं, ये भी और ये भी। तो एक रूल हमको ये पता चला कि अगर एडजेसेंट एंगल है तो इसमें दो चीजें होंगी, दो एंगल होंगे, और ये दोनों एंगल एक बड़े एंगल के बराबर होंगे।